नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं विनय सिंह तेजस आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आरएनए डीएनए के सीक्वेंस में आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वह मुख्यतः एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित है और यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। वैसे भी अगर हम बात करते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र की, तो यह ग्लोबल इशू है। उसी ग्लोबल इशू का एक भारत का बहुत प्यारा सिटी है और प्यारा स्टेट है और बहुत खूबसूरत जगह है जिसको हम केरल कहते हैं। उस केरल में एक प्लेस है, उस प्लेस पे एक लेक है जिस लेक को हम लोग बेम्बनाद लेक कहते हैं, जिसको कयाल लेक के भी नाम से जानते हैं, उसी का चर्चा करने जा रहे हैं। तो जो स्टूडेंट यूपीएससी सीएससी, अगर कोई स्टूडेंट पास कर चुका है, 12th पास कर चुका है, उसके लिए हम एक स्पेशल बैच लेकर आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जो स्टूडेंट अपने आने वाले दिनों को सफल और सार्थक बनाना चाहता है तो उसके लिए एक तेजस आईएएस एकेडमी का इनोवेटिव और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ, ग्रेजुएशन के साथ करे यूपीएससी की तैयारी, वो भी संपूर्ण तैयारी होगी और एकदम न्यूनतम फी में होगी। उसका रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग शुरू हो चुका है, इसलिए हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जो आपके घर में अगर 12th पास कर चुके हैं और आने वाले दिनों में वो सिविल सर्विसेज में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यह कोर्स को ज्वाइन जरूर करें। चलिए हम आगे देखते हैं कि करंट अफेयर्स की इस सीरीज में हम लोग देखेंगे आरएनए डिटेल न्यूज एनालिसिस और रेगुलर न्यूज एनालिसिस में, आरएनए डीएनए में। आज हम लोग देखेंगे बेम्बनाद लेक जो केरल में है और उसी बेम्बनाद लेक के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो बेम्बनाद लेक है उसकी हम आज चर्चा करेंगे और उसी चर्चा से पहले हम लोग बात कर लें इस इंडिया की। इस इंडिया में आप देखेंगे कि 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और इसी यूनियन टेरिटरीज में आप देखेंगे कि यह यूनियन टेरिटरीज और उसके साथ आप देख सकते हैं स्टेट, और उसी स्टेट में एक स्टेट है जिसको हम लोग कहते हैं, ध्यान देना, ये है केरल। यह केरल है, ये लक्षद्वीप और ये केरल, ये जो आप देख सकते हैं यह हमारा आइलैंड है जो कोरल से बना हुआ है और यही पुडुचेरी का एक प्लेस भी है, माहे, जो कि केरल में ही है पुडुचेरी। तो आप समझ सकते हैं कि यहां ये केरल है। और इस केरल के मैप को आप देखेंगे तो ये देखोगे, ये त्रिशूर आप देख सकते हैं, ये त्रिशूर है और उसके बाद अगर देख देंगे एर्नाकुलम है, एर्नाकुलम है और ये कोट्टायम है, ये कोट्टायम, ये आप देख सकते हैं, ये आलापचूपुरम है, इसके बाद जो आप देख सकते हैं ये कोलम है। तो इसी के बीच एक हमारा क्या है कि यहां एक लेक है जो आप यह देख सकते हैं, यह जो आप देख सकते हैं कि बेम्बनाद लेक जो है वह बेसिकली यही है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं बेम्बनाद लेक जो है वह मुख्यतः अगर हम बात कर लें, या मुख्यतः अगर हम बात कर लें तो केरल की सबसे बड़ी और भारत की सबसे लंबी लेक है, ध्यान देना, यह केरल की सबसे बड़ी है और भारत की सबसे लंबी है, न कि बड़ी है, ठीक है। उसके बाद बेम्बनाद लेक को हम बेम्बनाद कयाल के नाम से भी जानते हैं और ज्योग्राफी में एक शब्द आता है कयाल, ठीक है, वो बेसिकली समुद्र और तटीय क्षेत्र के बीच में समुद्र के निक्षेपण के फलस्वरूप जो कोस्टल एरिया है और समुद्र के बीच में एक क्या होता है कि एक बांध टाइप बन जाता है और एक तरफ पानी भर जाता है और इस तरीके से जो प्लेस होता है उसको कयाल कहते हैं, उसको हम लोग लेक भी कहते हैं। उसके बाद इसको बेम्बनाद कोलके ने भी नाम से भी जानते हैं या पुन्न मदा लेक, ये कुट्टनाद में इसको कहते हैं, ध्यान देना,
पुनमदा लेक जो है ये कुटनाद में कहा जाता है, कोची लेक जो है इसे कोची में कहा जाता है, और ध्यान देना यह केरल के कई जिलों में फैली हुई है, और इसका एरिया जो अगर देखा जाए तो ये 2033.02 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कवर करता है। तो ध्यान देना ये 2033.02 किलोमीटर जो है उस एरिया में इतना ये कवर करता है। तो आप देख सकते हैं इनके बिम्बनाथ कयाल भी कहते हैं, या ध्यान देना बिम्बनाथ कयाल भी कहते हैं, बिम्बनाथ कोल भी कहते हैं, पुनमदा लेक भी कहते हैं, कोची लेक भी कहते हैं, और ये अलग अलग पार्टों में डिफाइंड है। तो अब आप देख सकते हैं कि यह आपका, आप देख सकते हो कि यह जो है यह बेसिकली ये आपका, ये जो आप प्लेस देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है यही आपका बिम्बनाथ लेक है, ठीक है। अब आप देखेंगे ये अल्लापुझरा, ये जो आप देख सकते हो, और ये है कुमाराकोम, ये देख लो कुमाराकोम ये, और ये है बिम्बनाथ लेक, ये बिम्बनाथ लेक का एक्सटेंशन, ये आप देख सकते हैं कि बिम्बनाथ लेक पूरी तरीके से फैला हुआ है। यह बिम्बनाथ लेक की अगर यह देख लें, यह अगर मैप देखें तो यह बिम्बनाथ लेक है। यह बिम्बनाथ लेक जो मुख्य कहां स्थित है, केरल में स्थित है। बिम्बनाथ लेक चार स्रोत नदियों, ये ध्यान देना चार जो रिवर है उसी रिवर के लिए आप समझ सकते हो कि इस झील का स्रोत चार नदियों, इसमें है मीनाचिल, उसके बाद अचनकोविल, ध्यान देना मीनाचिल अचनकोविल, उसके बाद पंपा और मणिमाला, ये जे से संबंधित है। तो इस झील का स्रोत जो है वो चार नदियों के द्वारा है, एक को मीनाचिल कहते हैं, एक को अचनकोविल कहते हैं, एक को पंपा कहते हैं, एक को मणिमाला कहते हैं, और इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यह बिम्बनाथ लेक जो है चार नदियों के से संबंधित है। एक संकीर्ण द्वीप द्वारा अरब सागर से, मतलब अरब सी से अलग होती है, और केरल में एक लोकप्रिय लैगून, इसको हम लोग कहते हैं बैक वाटर स्ट्रेच, का निर्माण करती है, और इसी के फलस्वरूप उसको लैगून और एक जो इधर जो पानी भर जाता है उसको लेक के नाम से जानते हैं। अब आप बात करते हैं कि यह जो केरल में जो है यह भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो बल्लम काली, ये ध्यान देना बल्लम काली यानी नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, एक स्नेक बोट रेस जिसका आयोजन हर वर्ष अगस्त माह में बिम्बनाथ लेक में ही किया जाता है। तो नेहरू ट्रॉफी जो बोट रेस है और स्नेक बोट रेस है जिसका आयोजन हर वर्ष अगस्त महीने में होता है और वह बिम्बनाथ लेक में ही होता है। 2002 में इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि की, ये वेट लैंड की सूची में शामिल किया गया था, और ये रामसर कन्वेंशन के द्वारा परिभाषित किया गया था। अब आपको ध्यान देना ये 2002 में इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के दृष्टि से इसे वेटलैंड की सूची में रखा गया था, और वेटलैंड जो सूची में रखा गया था वो रामसर कन्वेंशन के द्वारा यानी रामसर अभी समय के द्वारा परिभाषित किया गया है। और ये भी है कि पश्चिम बंगाल में सुंदरबन के बाद भारत का दूसरा बड़ा ये रामसर है। तो ध्यान देना अब आपको बताना होगा कि रामसर बेसिकली होता क्या है और ये रामसर या वेटलैंड होता क्या। तो आर्द्र भूमि परितंत्र, अगर हम बात करें कि आर्द्र भूमि परितंत्र बेसिकली क्या होता है, रामसर कन्वेंशन के अनुसार ध्यान देना कि जो रामसर मतलब कि जो आर्द्र वेटलैंड इकोसिस्टम जो होगा वो रामसर के अकॉर्डिंग क्या होगा कि मार्सी लैंड होगा यानी मार्स दलदल होगा, पंक भूमि होगा जो फेन होता है पीट या जल, या कृत्रिम या प्राकृतिक अस्थाई या अस्थाई, स्टेबल या अनस्टेबल अगर कहें स्थिर जल जहां हमेशा वाटर लॉगिंग हो वो, या गतिमान जल जहां की फ्लो वाटर हो, तथा ताजा या खारा या सलाइन वाटर या फ्रेश वाटर या लवणयुक्त जल क्षेत्रों को
आर्द्र भूमि कहते हैं। तो इनका कहने का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू रामसर कन्वेंशन वेटलैंड बेसिकली क्या होता है। तो आप वेटलैंड ये भी कह सकते हैं, ध्यान देना, कि जो दलदल भूमि होती है जहां वाटर लॉगिंग होती है, और वाटर लॉगिंग फ्रेश वाटर भी हो सकता है और क्या हो सकता है, खारा पानी भी हो सकता है, सेलाइन वाटर भी हो सकता है, और वो फ्लो वाटर भी हो सकता है, मतलब गतिमान हो सकता है, स्थिर भी रह सकता है, और इस तरह के अगर कोई लैंड है तो उसी को हम आर्द्र भूमि कहते हैं। इसके अंतर्गत सागरीय क्षेत्र भी शामिल किया जाता है, और ये कहा जाता है कि सागरीय क्षेत्र वो रामसर के अंतर्गत वो होता है जहां निम्न ज्वार के समय की गहराई क्या होती है, 6 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी जब ज्वार आता है, यानी कि टाइड आता है, तो वहां की गहराई 6 मीटर से ज्यादा नहीं, अगर 6 मीटर से कम है और इस तरह के कंडीशन को जस्टिफाई कर रहा है तो वो वेटलैंड के श्रेणी में आता है, उसको हम लोग आर्द्र भूमि की वो श्रेणी में आता है। अब आर्द्र भूमि पर रामसर सम्मेलन की अगर हम बात करते हैं तो 1971 में, ध्यान देना, वेटलैंड के संरक्षण के लिए, कंजर्वेशन के लिए ईरान में एक प्लेस है रामसर, तो रामसर में एक अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल, ये क्या हो गया, इंटर गवर्नमेंट और मल्टीपर्पज सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड और उनके संसाधन को संरक्षण देने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जो राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की रूपरेखा को तय करेगा। कहने का मतलब होगा कि रामसर सम्मेलन जो हुआ, वैसे रामसर जो है ईरान का एक प्लेस है, और वहीं पर इस तरह की लैंड की परिकल्पना किया गया और वहां के इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए, और आर्द्र लैंड को यानी आर्द्र भूमि को यानी कि वेट लैंड को क्या करने के लिए, कि उसके संसाधनों को संरक्षण देने के लिए, वहां जो रिसोर्सेज है उसको प्रोटेक्शन और कंजर्व करने के लिए इस तरह की कार्रवाई किया गया और इस तरह के नियम कानून बनाए गए कि नेशनल और इंटरनेशनल सहयोग के द्वारा उस लैंड को प्रोटेक्शंस दिया जाएगा, संरक्षण दिया जाएगा। और बेसिकली या 1971 में आर्द्र भूमि का कंसेप्ट आया था। अब हम बात कर लेते हैं कि रामसर सम्मेलन एकमात्र ऐसा सम्मेलन है जो किसी विशेष पारिस्थितिकी तंत्र, ये ध्यान देना, स्पेशल इकोसिस्टम से संबंधित एक क्या है, वैश्विक इन्वायरमेंटल ट्रीटी है, यानी कि ग्लोबल इन्वायरमेंटल ट्रीटी है। यह 1975 में लागू इस समझौते में भारतवर्ष, ध्यान देना, 1982 में भारत शामिल हुआ। तो इसके पहले आपने यह देखा था, ध्यान देना, कि 1971 में रामसर सम्मेलन हुआ था जिसमें इस तरह की बातें कही गई थी, कि वह उसके बाद क्या हुआ कि 1975 में इस समझौते को लागू किया गया, लेकिन भारत इसमें 1982 में शामिल होता है। उसी के साथ देखते हैं कि आर्द्र भूमि पर रामसर सम्मेलन कब और कहां, आर्द्र भूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के सूची को नामांकन करने का काम जो करता है, जहां तक संभव है वो आर्द्र भूमि का उपयोग और उनके क्षेत्रों में उपयोग को बढ़ावा दिया जाए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और आर्द्र भूमि रिजर्व का निर्माण करना सम्मिलित है। तो रामसर भूमि का मेन, रामसर जो सम्मेलन हुआ था उसका मेन मोटो यही था कि इस तरह के जहां लैंड होंगे उसको फुल्ली क्या किया जाए, प्रोटेक्शन और कंजर्व किया जाए, रिजर्व किया जाए। विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रत्येक वर्ष जो है वो 2 फेब को मनाया जाता है। तो 2 फेब को क्या मनाया जाता है, आर्द्र भूमि दिवस प्रत्येक वर्ष। 1971 में इस दिन रामसर कन्वेंशन को अपनाया गया था, इसीलिए 2 फेब 1971 को ये रामसर एग्रीमेंट कन्वेंशन जो लागू किया गया, मनाया गया था, उसी के रेफरेंस में हम लोग विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि उसको कहते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फेब को मनाया जाता है।
पहला विश्व आर्द्र भूमि दिवस 1997 में मनाया गया था। तो ध्यान देना, पहला ये आर्द्र भूमि दिवस जो है 1997। अब भारत में आर्द्र भूमि का वितरण अगर हम बात करें, तो अगर हम आर्द्र भूमि का भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.7% है, भारत के आंतरिक आर्द्र भूमि कुल भौगोलिक क्षेत्र तटीय आर्द्र भूमि के भौगोलिक क्षेत्रफल से अधिक है। ध्यान देना कि जो इसका इंटरनल वेटलैंड है का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल और जो कोस्टल वेटलैंड के भौगोलिक क्षेत्रफल से अधिक है, मतलब भारत के जो इंटरनल पार्ट में जो वेटलैंड है वो कोस्टल एरिया से ज्यादा है। यही नहीं, अगर हम देखें तो सर्वाधिक वेटलैंड जो है अगर हम बात करें तो ये गुजरात में है। 1982 में जब रामसर समझौते भारत का सदस्य बना, उस समय केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान देना, या राजस्थान में है, चिल्का लेक को आर्द्र भूमि की सूची में और चिल्का लेक जो है ओडिशा में है सम्मिलित किया गया। जनवरी 2019 में सुंदरबन क्षेत्र को 27th वेटलैंड के रूप में शामिल किया गया और 2020 में 10 रामसर ये आर्द्र वेटलैंड को सम्मिलित करने वाले, वर्तमान में रामसर सम्मेलन के अंतर्गत कुल 37, अभी रिसेंट में 5 बढ़ा है, तो आज के डेट में यह टोटल 42 रामसर यानी कि वेटलैंड हो चुका है। तो इस तरीके से वर्तमान में रामसर सम्मेलन के अंतर्गत जो वेटलैंड है वो 42 हो चुका है। ये आप देख सकते हो कि ये वेटलैंड की या प्लेसेज हैं। तो आप बुलर लेक इस तरीके से आप देख सकते हो, बुलर लेक ये जम्मू, ये कश्मीर में है मुख्यतः। अगर हम बात करें गुजरात, ये नल सरोवर बर्ड सेंचुरी भी अगर हम बात कर लें, उसके बाद अगर जो केरल की हम बात करते हैं, वेम्बनाद कोल वेटलैंड है और सस्थमाकोटा लेक जो है, ये अस्था मुडी जो लेक वेटलैंड है, यहां आप देखोगे कि केरल में इस तरीके से। उसके बाद तमिलनाडु में पॉइंट कैलिमेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बर्ड सेंचुरी है, और आप देखोगे कि यहां जो है ये आंध्र प्रदेश में कोलोरू लेक है, इस तरीके से चिल्का लेक है। अब आप ये नॉर्थ ईस्ट में आप देख सकते हो डीपर बिल है, डीपोर बिल है, लोकटक लेक है, रुद्र सागर है। इस तरीके से ये पूरे भारत में ये रामसर सम्मेलन के अंतर्गत वेटलैंड है। अब आप देख सकते हैं कि वेटलैंड में भारत के मैप को अगर देखेंगे तो इस तरीके से यह पूरी 42 रामसर वेटलैंड साइट 2021 में यह चीजों को हमने परिभाषित किया है। तो आप देख सकते हैं कि यहां आप देख सकते हैं वेम्बनाद कोल है ये, और अस्थामुदी वेटलैंड है। तो इस तरीके से आप पूरे अगर हम बात कर लें तो पूरे इंडिया में ये वेटलैंड है। अब हम बात करते हैं वेटलैंड ये वेम्बनाद लेक के विषय में। तो वेम्बनाद लेक जो है भारत सरकार राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम यानी नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंतर्गत वेम्बनाद आर्द्र भूमि की पहचान की गई थी। तो ध्यान देना, ये नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन जो कंजर्वेशन नेशनल वेटलैंड्स कंजर्वेशन प्रोग्राम के तहत ये वेम्बनाद को यानी वेम्बनाद लेक को आर्द्र भूमि के वेटलैंड के रूप में पहचान किया गया। कुमार कुम पक्षी अभ्यारण, ध्यान देना, वर्ल्ड सेंचुरी इस झील के पूर्वी तट पर स्थित है। तो ध्यान देना, कुमार कुम जो है ये वेम्बनाद लेक के ईस्टर्न कोस्ट पर स्थित है। ये आप देख सकते हैं कि ये है कुमार कुम और ये जो है ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वेम्बनाद लेक। ये वेम्बनाद लेक जो है ये आप देखेंगे वेम्बनाद लेक के ईस्टर्न कोस्ट पर स्थित है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि यह वेम्बनाद लेक के विषय में अगर हम बात करें, 2019 में ये बिलिंगटन द्वीप, ये ध्यान देना बिलिंगटन आइलैंड जो कि कोच्चि शहर में स्थित है, के कुछ हिस्सों को अलग कर वेम्बनाद लेक का निर्माण किया गया था। तो इसीलिए उसको कोच्चि झील के नाम से जाना जाता है। इस झील की सबसे उत्कृष्ट विशेषताओं में से एक है कि ये 1252 मीटर लंबी निर्मित खारे पानी की सेलाइन वाटर की ये एक बांध है
और थन्नीर मुकोम, ये ध्यान देना, थन्नीर मुकोम है जो कि कुटनाड में खारे पानी को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया है। तो ध्यान देना ये 1200 ध्यान देना 1252 मीटर लंबी खारे पानी की एक बांध बनाया गया है जो थन्नीर मुकोम है जो कि कुटनाद के खारे पानी को रोकने के लिए, रोकने के उद्देश्य से यह बनाया गया है। इसी के साथ आपको मैं बता दूं कि ये रहा रामसर सम्मेलन और बेम्बनाद लेक जो कि काफी प्रसिद्ध है और बड़ी टूरिस्ट प्लेस भी है, बहुत खूबसूरत प्लेस भी है। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे तरीके से समझेंगे और प्री और मेंस पॉइंट के लिए इकोलॉजी रामसर कन्वेंशन जो है ये मेंस के लिए है और जितने भी आपके प्लेसेज हैं, प्लेसेज के रामसर साइट्स की मैं बात कर रहा हूं, वो प्री पॉइंट के लिए यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर खूब बनेंगे और क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।